विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। जैसे यहाँ पे घातांक के कई सारे नियम अपने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि यदि कोई संख्या घात की घात रूप में लिखी गई है तो दोनों घातों का गुणा होता है। कोई भी संख्या का अगर आधार बराबर है, आधार एक जैसा है, संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है तो उनकी घातें घट जाती हैं। कुछ इस प्रकार के उदाहरण को हमने देखा होगा। फिलहाल यहाँ से देखते हैं, मतलब कोई भी संख्या लिखी होती है तो नीचे वाली संख्या को आधार और ऊपर वाली संख्या को घात कहा जाता है। इसके बाद अगर कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में तो ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अब अगर इतना हमको पता है तो इसके बाद में हमें आता है, इसके बाद आता है भाई कि अगर कोई भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल या कर्णी दोनों का चिन्ह हमारा ऐसा ही होता है, एक जैसा। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी संख्या 3 लिखी हुई है तो वो कर्णी बन जाती है, जिसको हम आगे चल करके क्यूबॉइड के नाम से भी जान सकते हैं। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे अगर कोई भी संख्या, अभी हमें इतना पता चल गया नीचे वाली संख्या को आधार और ऊपर वाली संख्या को घात कहते हैं, ऊपर संख्या लिखी हो तो अंश और नीचे संख्या हो तो हर, ये हमारा बहुत छोटा कंफ्यूजन होता है जो कि बहुत लंबे समय तक अगर कह सकते हैं इसके बारे में जानकारी ना मिले तो बना रहता है। फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे, सबसे छोटा उदाहरण लेंगे, अगर किसी भी संख्या का आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे एक ही घात m लिखा हो और ऐसे चिन्ह या गुणे का चिन्ह लगा हो एक ही घात m। अब दोनों का आधार, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं घात, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं आधार, आधार दोनों का बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक ही घात m प्लस n हो जाएगा। अब कोई भी संख्या जैसे घात के घात रूप में लिखी गई है, जैसे एक ही घात m लिखा हो और पूरे की घात n लिखा हो तो हम इसको देख करके क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है, यदि कोई संख्या घात के घात रूप में लिखी गई है तो दोनों घातों का गुणा होता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा एक ही घात m गुणे n। अब इसके बाद कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी गई हो, एक ही घात m बटे एक ही घात n लिखा गया हो, वापस इनके आधार बराबर हैं, अगर संख्याएं भाग में हैं तो घातें घट जाती हैं, एक ही घात m माइनस हो जाता है एक ही घात n। और आगे चल करके और आगे हम सवाल जो हमको मिलने वाला है वो कोई भी संख्या की अलग अलग घात लिखी हुई, अगर किसी भी संख्या की अलग अलग घात लिखी है जैसे a की घात m और b की घात n तो हम इसको लिख सकते हैं a b और पूरे की घात m पूरे n भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई भी और एग्जांपल मिलता है तो अगर ऐसा लिखा हो एक बटे a की घात m लिखा हुआ है तो a की घात माइनस m भी लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा पहला एग्जांपल आता है 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। अब इसे हमें ज्ञात करना है या फिर सरल करना है तो हमें सबसे पहले अगर कोई भी संख्या एक बटे रूप में लिखी गई है, अंश और हर के रूप में लिखी गई है, वो भी घात में, तो हमें तो पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले पढ़ाया हमको जाता है कि जिस संख्या की घात जितनी लिखी होती है उस संख्या को हम उतनी बार लिख सकते हैं। मतलब एक ही घात दो लिखा हुआ है तो हम ए को दो बार लिख सकते हैं, लिख दिया ए गुणे ए। लेकिन एक बटे दो का मतलब वो आधार, तो हम 64 का आधा भाग कैसे लिखेंगे, लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले घात को कैसा बनाना पड़ेगा, वास्तविक संख्या बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 की घात 2, 8 की घात 2 को लिखा जाता है 64 और इसकी पूरे की घात हमारी बनी है 1/2। अभी हमने यहाँ पे एक नियम पढ़ाया था कि यदि कोई संख्या घात की घात रूप में लिखी गई है तो दोनों घातों का गुणा होता है, फिर यहाँ पर 8 की घात हो जाएगी 2 गुणे 1/2।
अब इसके बाद एक संख्या का तो अंश लिखा है, हर गायब है। अगर किसी भी संख्या का अंश लिखा हुआ है, हर गायब है, तो उसके हर को हम एक मानते हैं। और गुणा में अंश, अंश का गुणा हर, हर का गुणा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 8^2 = 2/2 = 2। 2 से 2 कट गया, इसको लिख सकते हैं 8^1, और 8^1 का मान 8 होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके जैसे जितने भी यहाँ पे हमारे फॉर्मूले दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उनके जैसे हमको दूसरे सवाल भी सॉल्व करने हैं।